हिमालयन इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे की पहली पुण्यतिथि जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में मनाई गई। इस दौरान जिला कुल्लू व लाहौल के विद्वानों के द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, तो वहीं उनके द्वारा दिए गए शोध कार्यों के विषय में भी चर्चा की गई है। ढालपुर के देव सदन में भाषा एवं कला संस्कृति विभाग के द्वारा स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न बुद्धिजीवियों ने स्वर्गीय त्शेरिंग के जीवन पर चर्चा की, तो वहीं प्रण लिया कि उनके द्वारा शुरू किए गए शोध कार्य को भी पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सूरज ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे भूटी भाषा की ज्ञाता थे और हिमालय तिब्बत और मध्य एशिया की संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ रखते थे। जिला लाहौल स्पीति की गाहर वैली के गुस्खियार गांव से संबंध रखने वाले त्शेरिंग दोर्जे ने हिमालय के लगभग 200 दर्रों को पार किया और हिमालय की भौगोलिक परिस्थितियों से पूरी तरह से परिचित थे। साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए जापान, कोरिया, रूस सहित विभिन्न देशों की यात्राएं की और वहां विश्वविद्यालयों में व्याख्यान भी दिए थे। यही नहीं, देश विदेश से भी उनके पास शोधार्थी आते थे। वे अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के प्रदेश के उपाध्यक्ष व मार्गदर्शक भी थे। डॉक्टर सूरज ठाकुर ने कहा कि हिंदी, पहाड़ी, लाहौल स्पीति और विशेषकर तिब्बती भाषा का विस्तृत ज्ञान और अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक जानकारी रखने के कारण उन्हें लाहौल स्पीति के उपायुक्त कार्यालय में तिब्बती भाषा के व्याख्याकार की नौकरी मिली थी। कुछ साल बाद उन्हें जनसंपर्क अधिकारी बनाया गया। स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे रशिया के विख्यात कलाकार निकोलस रोरिक के बेटे जॉर्ज रोरिक के मित्र थे। आज की ये गोष्ठी जो हम कर रहे हैं, ये गोष्ठी श्रद्धांजलि स्वरूप उस शख्सियत के प्रति है जिसका हिमालय के क्षेत्र में भ्रमण भी रहा, हिमालय की जानकारी भी रही, यहाँ के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत बड़े एक विद्वान थे। वो थे स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे जी। वो हालांकि मिडिल पास ही थे, परंतु उनका ज्ञान इतना ज़्यादा था कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़, देश की यूनिवर्सिटीज़ उनको लेक्चर देने के लिए बुलाती थी। उनकी इंग्लिश पर इतनी कमांड थी। हालांकि वो जब शुरू में लाहौल में सरकारी अधिकारियों को भोटी पढ़ाते थे और तभी उनका नाम भोटी मास्टर पड़ा था। उसके बाद वो पब्लिक रिलेशन में आ गए और एमएस गिल जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत लाहौल स्पीति में जिलाधीश भी रहे उस वक्त, उनकी पुस्तक में उनका बहुत ज़्यादा जिक्र है कि उनको ये भी आता था, वो भी आता था, वो जगह उन्होंने दिखाई, उस जगह के बारे में बताया। और आज भी बहुत से जो शोधार्थी हैं वो उनके पास आते थे और इसीलिए वो लाहौल के एक यायावर के रूप में जाने जाते हैं। इस संबंध में आज की चर्चा जो लाहौल स्पीति और कुल्लू के लोग हैं उन पर अपने संस्मरण सुना रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित। शोधार्थी केसंग ने कहा कि स्वर्गीय त्शेरिंग दोर्जे उनके नाना थे और उनका जाना एक क्षति है। ऐसे में शोधार्थी होने के नाते उनकी बची हुई किताब को लिखने की कोशिश करेंगे ताकि उनके द्वारा किए गए रिसर्च बाकी लोगों तक भी पहुंच सके सब कुछ सुनकर तो यही लग रहा है कि कैसे उन्होंने जो भी उनसे मिला, किस तरीके से उन्होंने सबकी लाइफ को एक तरीके से बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से टच किया। तो जैसे क्योंकि वो मेरे ताई जी के फादर थे तो अब हम तो बचपन से ही उनको जानते थे, तो इतनी सारी यादें हैं उनके बारे में कि अब जब उसको हम लोग सोचते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली वो कितने एक वैल्यूबल ह्यूमन बीइंग थे। तो जैसे जो मेरी अपनी रिसर्च जर्नी है वो भी एक्चुअली उनके गाइडेंस के अंडर ही शुरू हुई। तो हम लोग 2010 में हम दोनों साथ में मलाना गए थे, मेरी अंडर ग्रेजुएट की थीसिस थी विमेन इन पंचायती राज पे, तो मेरे साथ 10 दिन मलाना में रहे, मुझे एक तरीके से सिखाया उन्होंने कि फील्ड वर्क कैसे किया जाता है। तो मेरे लिए पर्सनली जो मेरा रिसर्च जर्नी है वो उन्हीं से ही शुरू हुआ। तो ऐसे तो मैं इतना नहीं पढ़ पाई उन्होंने पर्सनली खुद क्या लिखा था, लेकिन जैसे आज बात हो रही थी कि जो भी वो लोग वो रिसेंटली लिख रहे थे उसको एक किताब के रूप में कंपाइल किया जाएगा, तो अब मेरी यही कोशिश है कि जो भी उन्होंने लिखा है उसको
हर एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा जाए और उनका क्या विजन था हिमालयस को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो उस हिसाब से वो हमारे लिए बहुत कुछ वैल्यूएबल छोड़कर चले गए हैं। तो एज रिसर्चर्स मुझे लगता है कि ये अब हमारी ड्यूटी है कि हम पढ़ें उन्होंने क्या लिखा है, उनका जो नॉलेज है उसको आपस में शेयर करें और देखें कि कैसे उनकी जो एक तरीके से लेगेसी है, उनका जो विजन है हिमालयस पर, उसको हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।